This news is brought to you by Himalayan International School. मुजफ्फरपुर जिले के लदौरा के समीप डुमरी पुल के पास एक अवैध शराब पैकिंग फैक्ट्री का उद्भेदन उत्पाद विभाग की टीम ने किया है। छापेमारी के दौरान टीम ने भारी मात्रा में स्पिरिट, तैयार शराब, अर्धनिर्मित शराब, विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब की बोतलें, पैकेट, रैपर, ढक्कन, मुहर, बॉटलिंग और पैकेजिंग मशीनों के साथ साथ वाटर प्लांट भी जब्त किया है। छापेमारी के दौरान धंधेबाज धीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। अन्य शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। गोदाम को सील कर दिया गया और मामले की विस्तृत जांच जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। लदौरा के पास डुमरी पुल है, वहाँ एक घर में शराब का फैक्ट्री संचालित था, विदेशी शराब का। तो वहाँ 250 लीटर स्प्रिट मिला है, एक पंचिंग मशीन मिला है, एक बॉटलिंग मशीन मिला है, पानी का एक प्लांट मिला है जिसे शराब तैयार किया जाता है, और विभिन्न प्रकार का ब्रांड का बॉटल भी मिला है, जैसे ऑफिसर्स च्वाइस, 8 PM और ब्लैक हाइना, फॉर सेल इन भूटान होता है ब्लैक हाइना, उसका भी रैपर और बॉटल सब मिला है। मतलब विदेशी शराब पैकिंग का काम यहाँ हो रहा था, और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है जिसका नाम धीरज है। पूछताछ की जा रही है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कितने दिनों से सर ये चल रहा था? ये तो हमें गुप्त सूचना कल प्राप्त हुआ, कल शाम के समय का ये रेड हम लोगों ने किया। जो पकड़ा गया है वो कौन है, से बना रहा था या फिर बोल सकते हैं? बना भी रहा था या फिर कारोबार में भी शामिल था, और उसे पूछताछ की जा रही है। जो लोग भी संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पहली बार एक अलग तरह का शराब की भी वहाँ पर बरामदगी हुई है, जो बाहर का बना वो बॉटल है, वो बॉटल में पैकिंग का काम या बॉटलिंग का काम ये लोग करते हैं उसमें। हाँ, ब्लैक हाइना जो फॉर सेल इन भूटान होता है उसको भी हाँ, उसमें भी ये लोग पैकिंग करते हैं। वैसा भी शराब ये लोग सप्लाई करते होंगे लोकल एरिया में, क्योंकि शहर के बगल का क्षेत्र है तो शहर में सप्लाई का हम लोग का प्लान होगा। खास करके अभी दशहरा का मौका है, इस प्रकार से कैसे देखेंगे क्षेत्र में लगातार जो है शराब उराब का? हम लोग हमेशा कॉन्शियस हैं कि कहीं भी इस तरह का सूचना प्राप्त होगा तो हम त्वरित कार्रवाई तुरंत करेंगे। शराब को लेकर के अलग तरह से कोई टीम वगैरह भी बनाई गई क्या, क्योंकि दशहरा है और ऐसे में शराब माफिया भी काफी एक्टिव हो जाए? हाँ, विशेष टीम का गठन किया गया है पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में। दिन रात हम लोगों का रेड का वर्क चल रहा है, शराब पीने वाले लोग और शराब बेचने वाले लोग की लगातार गिरफ्तारी हो रही है।